आप जब वीडियो डालोगे भाई ऐसे पीछे आगे मत निकलवा यार इनसे हेलो हेलो क्या नमस्कार मैं कह रहा हमारे बीच में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास जी हैं जो इस किसान समृद्धि यात्रा का युवक कांग्रेस जिंदाबाद युवक कांग्रेस जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। हमारे बीच लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय नाहटा जी हैं जो बहुत बड़ी संख्या में युवाओं के साथ आदरणीय राहुल जी की कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाने के लिए किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। आदरणीय स्वप्निल जी आप कुछ कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं दीदी कि एक साल पहले जो यहां हत्याकांड हुआ सरकार के द्वारा पुलिस के द्वारा 6 किसानों को मारा गया, आज उसके बाद एक साल बाद भी किसानों के लिए कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है। उसी का आक्रोश इस सरकार के खिलाफ और उत्साह राहुल जी के नेतृत्व में यहाँ के किसानों और युवा वर्ग में देखने को मिल रहा है। लाखों लोगों में लाखों लोगों ये ऐतिहासिक रैली में पहुंचेंगे। हमारे बीच में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव जी हैं। आज ऐसा कि हम देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश जो है वो राहुल जी की रैली की तरफ देख रहा है और मैं ये कहूंगा कि पूरा देश के जितने भी किसान हैं वह सुनने के लिए देखेंगे कि आज राहुल जी यहाँ से क्या बोलते हैं। आदरणीय दीपक छोटीवाला जी राष्ट्रीय सचिव, आज राहुल जी ने पूरे देश मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के किसानों को आंदोलित कर दिया है और उनको बता दिया है कि मैं आपके पीछे बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ हूं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और ये देश किसानों से बना है, किसानों से ही चलेगा, बिना किसान के इस देश कोई मतलब नहीं है और मैं मजबूती से और पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी का कहना है कि किसानों के पीछे खड़ी हुई है। हमारे बीच अंकुर वर्मा जी हैं राष्ट्रीय सचिव। एक साल पहले जब किसानों की छातियों पर गोली चली थी इस मंदसौर में, किसानों के 6 किसान वहां मारे गए थे, आज उसकी बरसी है। राहुल जी उन परिवारों से आकर के मिलेंगे, उन किसान परिवारों को जिनको एक साल हो गया अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार ने न्याय नहीं दिला पाई है, आज राहुल जी आ रहे हैं। युवा पूरे जोश में है, किसान जोश में है, निश्चित मध्य प्रदेश का बदलाव होगा। हमारे बीच राष्ट्रीय सचिव मनीष चौधरी जी हैं। एक वर्ष पूर्व किसानों के साथ किए गए नरसंहार के खिलाफ आज राहुल जी अपना नेतृत्व लेकर इस प्रदेश में भरकर सामने आए हैं और उन्होंने आज के किसानों का जोश देखते हुए बन रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर जनरल डायर ने अगर एक नरसंहार किया था तो वही किसानों को करने वाला शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आज राहुल जी यहाँ तैयारी से पूरा युवा पूरे किसान उनके साथ नेतृत्व में आज आगे बढ़ने को तैयार बैठे हैं और इस देश के अंदर एक नई क्रांति किसान क्रांति के रूप में राहुल जी आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच संजय यादव जी हैं राष्ट्रीय सचिव। पूरे मध्य प्रदेश का युवा पूरे मध्य प्रदेश का किसान आज हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की ओर देख रहा है और निश्चित ही मध्य प्रदेश में आने वाले समय में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जय जवान जय किसान का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी हमारा इतिहास रहा है, चाहे वो हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो या 72,000 किसानों के कर्ज माफी की हो। हिंदुस्तान में कभी कांग्रेस पार्टी ने किसानों के नाम पर राजनीति नहीं की, लेकिन मध्य प्रदेश की धरा कलंकित हुई 8 तारीख को जब वो किसान वो देश का अन्नदाता अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ने जा रहा था, जब छातियों पे गोली भांजी गई, लाशों की बोलियां लगाई गई। इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी है जो अपने आप को शिवराज जी किसान का बेटा कहते हैं और ये किसान उनकी मेहनत करके कृषि कर्मणता अवार्ड दिलाता है लगातार 5 वालों से, लेकिन वही किसान जब अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आता है तो सीने पे गोलियां खानी पड़ती हैं।
आज आदरणीय राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश के किसानों की लड़ाई का शंखनाद करेंगे और आज का आगाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती करने के लिए शुरुआत होगी और ये अंजाम पहुंचेगा। वक्त है बदलाव का। मध्य प्रदेश में सारे किसान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक सूत्र कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के तिरंगे के नीचे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। राहुल गांधी जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, भारत माता की जय। दीदी ऐसा उनसे पूछ लेना कि एक्चुअली कहाँ चल रहे हैं आपका पेज से चला है? मेरा तो मेरे पेज आज मंदसौर में हमारा सौभाग्य है कि किसानों की लड़ाई को लड़ने, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे बीच में युवाओं के नेता, भविष्य के युवाओं को नई दिशा और भविष्य के प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे बीच में पधारने जा रहे हैं। आज का जो जोश है, किसानों हो या युवा वर्ग हो, उनके उसमें इतना उत्साह है कि आज राहुल जी की सभा ऐतिहासिक होने वाली है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 6 जून 2018 इस देश की नई दिशा, इस देश का नया भविष्य तय करने वाला है। आज युवा कांग्रेस हमारे बीच में है, सेक्रेटरी हमारे बीच में है, आदरणीय प्रतिभा जी हमारे बीच में है, आदरणीय अंकुर भैया, आदरणीय संजय भैया, मनीष जी, आदरणीय सब चिरंजीव राव जी हमारे बीच में। हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो समाज में हाय 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 जो आदरणीय राहुल गांधी जी की इस रैली में बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हैं और ये हिंदुस्तान की राजनीति में तख्त बदलने जा रहा है। शिवराज सिंह की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आज यूथ कांग्रेस के साथी राहुल जी के नेतृत्व में किसान समृद्धि यात्रा को ज्वाइन करने जा रहे हैं। केशव जी, सम्मान में तख्त बदल दो,
बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, रक्त बदल दो, दांत बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, किसानों के सम्मान में ये भी है जिंदाबाद है, लड़ाई है, लड़ाई है भाई सोमेल, ए सोमेल झूठे मारो सालों को, सत्ता के दलालों को झूठे मारो सालों को, भैया बैठ जाओ, चलो रुक जाओ, मैं आती हूँ, थोड़ा उतर जाओ ना, चला लो देख ले, दूसरी गाड़ी देख लेती अपन चल चले, घुमाना है भैया, भैया गाड़ी आगे लगा रहे हैं, गाड़ी आप आगे लगाओ भैया की गाड़ी, जिसको सबसे उसको ले, हम इधर ही जा रहे हैं पार्किंग, युवा कांग्रेस पार्किंग में आ जाओ, सब गाली काले इधर लो ना, यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस भैया को मिला राहुल गांधी।